कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में अचानक 10% की गिरावट आई है, आखिर क्यों? चलिए पता करते हैं इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर के पीछे क्या राज है। आज की स्टोरी जरूर आपको एज ऑफ द सीट पर रखेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं मार्केट इंसाइट्स। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर कुछ कड़क रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। बैंक अब अपने नए कस्टमर्स को ऑनलाइन या मोबाइल के जरिए ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा और ना ही ये क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे। ये सब क्यों? क्योंकि आरबीआई को बैंक के आईटी सिस्टम में कुछ सीरियस डेफिशिएंसीज मिले हैं जो 2022 और 2023 में ऑब्जर्व की गई थी। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का कहना है कि ये कदम आरबीआई का बैंक के ग्रोथ और मार्जिन पर भारी पड़ सकता है। डिजिटल चैनल्स के जरिए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और क्रेडिट कार्ड इशू करना जो कि बैंक के लिए मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे, अब रुक जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई की ये रिस्ट्रिक्शंस कोटक बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फी इनकम को प्रभावित कर सकती है। और सुनिए, ये इशू को रिजॉल्व करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। इस दौरान बैंक का न्यू कस्टमर रेवेन्यू जनरेशन जो कि उसकी अर्निंग के लिए क्रूशियल है, इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए कुछ एनालिस्ट ने तो बैंक के स्टॉक प्राइस टारगेट को भी नीचे एडजस्ट कर दिया है और इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पर एज यूजुअल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स को सर्विस जारी रखेगा इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। और ये रिस्ट्रिक्शंस तब तक रहेंगी जब तक बैंक एक एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवा लेता और आरबीआई की सेटिस्फेक्शन के लिए सभी डेफिशिएंसीज को एड्रेस नहीं कर लेता। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस क्वार्टर में अपने नेट प्रॉफिट में 6.75% का इजाफा दिखाया है जो कि बढ़कर 4,265 करोड़ हो गया है। उनका टोटल इनकम भी 31% बढ़कर 24,000 करोड़ के आसपास हो गया। ये ग्रोथ काफी हद तक उनके नेट इंटरेस्ट इनकम की रोबस्ट इंक्रीज की वजह से जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एंड ईयर ओ ईयर दोनों में सिग्निफिकेंट राइज देखा गया। तो ये था आज के एपिसोड जिसमें हमने देखा कोटक महिंद्रा का फाइनेंशियल हेल्थ और आरबीआई का रिसेंट एक्शन। क्या आपको लगता है कि ये कदम लॉन्ग टर्म में बैंक की स्टेबिलिटी को और मजबूत करेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए एंड इन्वेस्ट स्मार्टली।